उत्तराखंड मेट्रो पुलिस का एक बार फिर हैवानियती चेहरा सामने आया, जहां घर में सो रहे हैं पूर्व भारतीय सैनिक के परिवार के लोगों को पुलिस ने लाठी डंडों से जमकर पीटकर घायल कर दिया। वही पीड़ित पूर्व सैनिक का परिवार न्याय पाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर है। बताते चले ताजा मामला, सितारगंज विधानसभा क्षेत्र शक्ति पान के ग्राम तेलियापुर गांव आनंद नगर का है, जहां बीती 13 सितंबर की रात से कुछ पुलिसकर्मियों ने घर में घुसकर सो रहे पूर्व सैनिक एवं उसके परिवार पर हमला बोल दिया, जिसमें आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हुए। वही पुलिसकर्मियों ने घर की महिला को भी नहीं बख्शा, जिन्हें लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा गया। वही पूर्व सैनिक का परिवार घटना की रात से ही न्याय के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा है, लेकिन उसे इंसाफ की अभी तक किरण नहीं दिखाई दे रही। नाम सुरेंद्र किशोर, पुत्र पुष्कर राम है। मैं ये सितारगंज क्षेत्र में रहता हूँ और 13/9/2020 की रात को अचानक 9:30 से 10:15 या 10:30 के करीब जो पुलिस आती है मेरे कमरे में और मुझे मैं एक अंडरवियर में सोया हुआ हूँ रात को और मुझे आके पीटना शुरू करती है। मेरी पत्नी मेरा बचाव करती है तो मेरी पत्नी को भी पीटा। अब न जाने किस कारण से आई है और बाहर जाके मेरे बहुओं को, मेरी माँ को, मेरे भाइयों को, सबको जो मिला उसे मैंने, महिलाओं को तो एक टारगेट की तरह पीटा गया, लेकिन मेरे ये समझ में नहीं आया कि किस कारण से पुलिस ने इस प्रकार का व्यवहार किया। और पूरे ये जेंट्स थे, कोई महिला पुलिस नहीं थी। हमारे तो समझ में नहीं आया ये आधी रात को इस प्रकार से धड़ाधड़ ये गुंडों की माफित ये क्या कार्रवाई हो रहा। बुढ़ी माँ और 75 वर्ष की, उनको भी नहीं बख्शा गया। मैं SP कार्यालय में गया था, उन्होंने ये रिसीव करके दिया, CO साहब आएंगे बोला। CO साहब आए तो वो जहाँ चल रही है कह रहे हैं आज ये 8 दिन हो गए, 13 तारीख से आज 21 तारीख हो गई है, कोई इसकी सुनवाई नहीं हुई। बयान दर्ज ऐसे ही डरा धमका के, जैसा कि वो घुमा के, हमने तो कभी ये देखा ही नहीं। मैं एक फौजी आदमी हूँ, मैंने कभी भी मतलब ये पुलिसी कार्रवाई या कभी ये नहीं जाना। हमने तो अपने सीधेपन पर जो कहा वो पत्रकारों को क्या कहते हैं वो अर्जुन में इसको बताया। पुलिस वालों पर हम न्याय की मांग करते हैं, दोषियों को सजा मिले। रीता आर्या है, मैं शक्ति फार्म में रहती हूँ और आधी रात को मैं मेरे हस्बैंड काम कर रहे थे, दुकान है हमारी फास्ट फूड की, वो दुकान का सामान मैं अंदर रख रही थी। इतने में ही रात में पुलिस हमारे घर में घुस गई। 5 पुलिसकर्मी थे, 3 बाइक में आए हुए थे और उन्होंने आते ही मैंने उनसे आने का कारण पूछा तो उन्होंने सीधे मेरे पे हावी हो गए। मुझे, मेरी जिठानी और मेरी सास को बहुत मारा है उनने। इतना मतलब इतना दुष्चार हम लोग किया है, इतना अभद्रता से हम लोगों को व्यवहार किया, बिल्कुल मतलब उन्होंने मेरा कारण सिर्फ इतना था, मैंने उनसे सिर्फ इतना सा पूछा कि आप क्यों आए। मैंने आने का कारण पूछा, उनके साथ कोई महिला पुलिसकर्मी थी, 5 पुलिस वो थे कर्मचारी वो लोग, और आते ही पहले मेरे घर में सवार हो गए। पहले आते ही मेरे जब अंदर आए हैं तो उन्होंने मेरे जेट पे हावी हो गए हम लोगों ने, और मेरी जिठानी ने उनसे मारने पीटने के बारे में पूछा तो उनको पहले बहुत मारा, उसके बाद हम लोगों ने पूछा तो आकर के ही वो पहले मेरी छोटी वाली जिठानी को मारा उन्होंने, फिर उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि आप ऐसे कैसे हाथ चला रहे हो, तो उन्होंने मेरे को मारा और मेरे से सीधे सवाल करे कि ये शक्ति फार्म पुलिस, उन्होंने सीधे मुझसे उन्होंने मेरी पढ़ाई के बारे में भी मेरे से बोला कि तू ज़्यादा पढ़ी लिखी बनती है, और बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी मुझे, बहुत अनाप शनाप बकाया हम लोगों के लिए। बस मेरा आप लोगों से इतना सा निवेदन है कि आप लोग हमें इंसाफ दिलाइए और इन पुलिसकर्मियों को इनकी सज़ा मिलनी चाहिए। बस प्रधान जी के घर के सामने पे हुई है, आप लोगों से मेरा निवेदन है, क्या पता हो सकता है उनके CCTV फुटेज में ये सब हो, तो आप लोगों से निवेदन है कि आप थोड़ा सा हमारी हेल्प कर करके, क्या पता वो लोग अगर दिखाना चाहें, अगर हो उसमें तो आप लोग मदद कर सकते हैं, तो प्लीज़ आपका बहुत बहुत वो होगा। मेरे पे भी ये बात सूचना आई थी कि वहाँ पे तिलियापुर में आनंद नगर एक जगह है, वहाँ पे एक सुरेंद्र किशोर नाम का आदमी, उसने दारू पी के कुछ खुराफात करी, तो उसकी गांव वालों ने पुलिस को सूचना दी, उसके सूचना पे पुलिस वहाँ गई थी, तो पुलिस ने अपनी कार्रवाई करते हुए उससे पूछा भाई तुम दारू पी के क्यों इस तरह की वो कर रहे हो, उसी पर उनका ये आरोप है कि पुलिस ने हमारे साथ मारपीट करी और हमारे साथ अभद्रता की। इस संबंध में जांच मैं कर रहा हूं और जो भी सत्यता मिलेगी उसी के अनुरूप वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। देखिए जो जांच में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी होगी, बाकी सत्यता है नहीं है कितनी है उसकी जांच की जा रही है, जो भी होगा वैधानिकता के अनुरूप होगा।